ਬੱਤੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ 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 ਸੇਰਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਬੱਤੀ 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 ਹਸੋਰੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬਹਿਮ ਨੇ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ 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 ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ 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 ਸੇਰਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਬੱਤੀ 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 ਹਸੋਰੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬਹਿਮ ਨੇ ਡੈਡੀ ਕਟਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ यहाँ तो लेगा वहां लगी पिछाड़ी ये सारी की सारी सारी की सारी। हाँ हाँ मेरा भाई सारी जमीन थारी है अरे यार चीज़ ना मैंने 20 रुपए बता दी राव साहब ओएमजी ब्रो इसे तेरी जमीन पे मुझे यार तो गाइस जो आप लोगों को इंतजार था बिग बॉस के बाद में एलिस भाई ने कोई वेब सीरीज नहीं बनाई थी लेकिन वेब सीरीज आ चुकी है गुड़गांव की वेब सीरीज गुड़गांव वेब सीरीज वो परसों रिलीज कर दी थी भाई ने और जाके भाई सपोर्ट करो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा छोटी सी क्लिप देखना और पूरी वीडियो भाई के चैनल पे मिलेंगे एलिस यादव भाई के चैनल पे और भाई दबा के सपोर्ट करना लाइक शेयर कमेंट दबा नंबर वन ट्रेंडिंग पे चला रहा है भाई की वीडियो वेब सीरीज भाई मैं तो इतना सेकेंड वेब सीरीज़ के लिए मैं भी उत्साहित हूँ क्योंकि मैंने 3 बार वो वेब सीरीज़ देख ली उतनी प्यारी लगी भाई बहुत मज़ा आया देखने में और भाई सारा रोल मस्त था किरदार एलिस भाई का किरदार बहुत मस्त लगा मेरे को सारा कटारिया भाई का भी सही था और लक्ष्य भाई अर्चित भाई सबका सही था रोल मस्त थी वेब सीरीज गुड़गांव की फर्स्ट वेब सीरीज आ चुकी है एपिसोड मैं छोटी सी क्लिप डाल दूंगा पूरी तो नहीं पूरी भाई पूरी वीडियो देखने के लिए आप एलिस यादव भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ देखो फुल मज़ा आने वाला है आपको तो मिलते हैं और ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि वेब सीरीज कैसी लगी भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगी 3 बार देख ली चौथी बार देखने जा रहा हूँ ये जितनी भी जमीन तन दिख रही है यहाँ तक लेगा वहां लग गया रिश्ते पीछे वाली भी ये सारी की सारी सारी की हाँ 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 बेरा भाई ये सारी जमीन थारी है अरे यार चीज है ना मैंने 20 रुपए बता ली राव साहब ओएमजी ब्रो इसने तेरी जमीन पे मुद दिया यार व्हाट द फक जमीन तो ना रहेगी यहाँ बनेगा एक मॉल समझ रहा अब जहाँ तू मूत रहा था ना यहाँ बनाएंगे मॉल का वॉशरूम एक बार इलेक्शन में पापा दोबारा एमएलए बन जान दे फिर देख तू यार का सिस्टम अरे एक और बात बताऊ यहाँ बनाएंगे एक 4 मंजिली मॉल पहली मंजिल पे होगी थाई मसाज दूसरी मंजिल पे होगी बॉडी टू बॉडी तीसरी मंजिल पे होगी फुल सर्विस और भाई चौथी मंजिल पे क्या होगा चौथी मंजिल पे होगी तेरी मम्मी अरे यार ये क्या कह रहा है यार तू यार अरे मतलब तेरी मम्मी को ऑफिस यार अब इतने बढ़िया बढ़िया काम संभालने के लिए एक अच्छे घर की लेडी तो होना बहुत जरूरी है अब तेरी मम्मी तो अच्छे घर की लेडी होगी कोई बताइए हाँ खैर ये तो सही कह रहा तू मेरी मम्मी ना सबसे अच्छे घर से आती है कौन हूँ मैं इंस्पेक्टर अनूप चहल क्या काम है हमारा चोरी करने का वे सर रिश्वत लेने का वे सर क्राइम को सफाया करने का हाँ तो करते हैं राव साहब यह सप्ताह में 30 रो केस है तेरो बाप के नाम की कितनी बदमाशी करेगा एक तो ना मेरे बाप का नाम मत लेकर अपनी गाड़ी जुबानता है ठीक है ओए सर से ऐसे कैसे बोला तू तो बोला तू कहां से बोला पीछा था ओए तमीज ते पैसा अपनी औकात में रह तू आई समझ में तेरा काम है केस दबाने का तो केस दबा फालतू पंडित की बकचोदी मत कर है ना मेरे फोन में जो बटन दब गया ना तो तेरा बहुत कुछ दब जाऊगा चल साले की औकात दिखानी पड़ेगी एक दिन यार मैडम क्या दिक्कत है परेशानी क्या है आपको क्यों रात को हाउल्ला करवा रखा है भाई सर आप हमें बोल रहे हैं देखिए मेरे दोस्त के कितना खून निकल रहा है जिनको बोलना चाहिए आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं मैडम लड़ाई में खून ही बहेगा दूध नहीं अगर दूध बहता तुम पीना लेते एक बात बताओ एक तो ये छोटे छोटे कपड़ा पहन के रात को बाहर निकल रहे हो वो भी एक ऐसे लड़का की गैल जो भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता 2 डुक में नीचे गिर गो है
सर हमने आपको अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया और आप मेरे कपड़ों को देख के जज कर रहे हो मुझे, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए ना। अच्छा तुम्हें पुलिस की सेवा चाहिए, अरे बल्कि पुलिस है तुम्हारी सेवा चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब है हमें और कोई काम ना आ क्या? अरे हमारे गांव में भैंस भी आई है, दो दिन हो गए वहां का दूध निकाले, अब जाके वहां को दूध निकालेंगे या तुम्हारे यहाँ निपटावे? एक काम कर, या ले चल हमारी भैंस को दूध अभी निकाल लेगी, चल 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 उठा ले उठा उठा उठा। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे ज्यादा बकवास मत करे, चुपचाप साफ कीजिए मैं 500 रुपए डालो और निकल जाते। अरे सर आपको शर्म नहीं आती, हमारी हेल्प करने के जगह हमसे ही पैसे मांग रहे हो आप। शर्म तो तुम्हें